दिसंबर को बना दूं कागज, स्याही कर दूं सागर को, वीर शहीदों की ये गाथा बची रहेंगी लिखने को। भाव सुमन अर्पित करते हैं और भला क्या देंगे हम, द्रवित हृदय से आए हैं हम शौर्य कहानी कहने को। देश के विभाजन के बाद से अब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। 1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1999 में दोनों देशों के बीच लड़ा गया कारगिल युद्ध, ये सभी परिस्थितियां भारत पाकिस्तान के रिश्ते को बखूबी बयां करते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन पाकिस्तानी सेना या फिर पाकिस्तान की गोद में पलने वाले आतंकवादी हों, भारत में घुसपैठ कर अपनी औकात दिखाते रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान एक कायर और डरपोक मुल्क है जो कभी स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान के साथ नहीं लड़ा, बल्कि पीठ पीछे हमला करते आया है। बात 2 मई 1999 की है, जब ताशी नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की पहाड़ियों पर कुछ घुसपैठियों को देखा और फिर उसने 3 मई को सेना के एक जवान को खबर किया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के तार उस समय से जुड़े हैं जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की अनुमति दी थी। वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास और तमाम बाधाओं को दूर करते हुए राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। ऐसे में यह बात पाकिस्तान को भला कैसे रास आती, फिर क्या था, विदेशी ताकतों की मदद से पाकिस्तान ने भी जवाबी परमाणु परीक्षण कर दिया। उधर 3 मई के बाद खबर मिलते ही पाकिस्तानी घुसपैठ की बात दिल्ली के सेना मुख्यालय तक पहुंच गई और खबर मिलते ही सेना हरकत में आ गई। अब घाटी के सैनिकों को कारगिल की ओर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना इतनी चौकन्ना होगी। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपनी घबराहट अपने आकाओं से बताई। पाकिस्तानी गोलाबारी में 9 मई को भारतीय सेना के आयुष भंडार का नष्ट होना भारतीय सेना के लिए एक बड़ी क्षति थी। 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया मोर्चा संभालते हैं, लेकिन कैप्टन कालिया के एक एक साथी शहीद होते गए। आगे चलकर कैप्टन सौरभ को भी घुसपैठियों ने बंदी बना लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे युद्ध में पाकिस्तानियों की पोजीशन ऊंचाई पर होने के नाते उनको हमला करने में आसानी था। उधर कैप्टन कालिया से संपर्क न हो पाने की सूरत में भारतीय सेना का टोही विमान कारगिल की पहाड़ियों की ओर रवाना हुआ। 25 मई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रेस वार्ता के दौरान कारगिल में घुसपैठ की जानकारी दी। आगे सेना प्रमुख की अनुमति के बाद श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और MiG-17 हेलीकॉप्टर हमले के लिए रवाना हो गए। भारतीय सेना के इस साहस से पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए। 9 जून को भारतीय सेना ने वारलिंग सेक्टर के 2 चौकियों पर कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया और यहीं से आगाज होता है ऑपरेशन विजय का। 29 जून तक भारतीय सेना तोलोलिंग, .5060 और 5100 पर भी कब्जा कर लेती है और वहां पर भी तिरंगा लहरा देती है। इसके बाद हमारे योद्धाओं ने टाइगर हिल्स, 5 जुलाई को द्रास और 7 जुलाई को जुबर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। 14 जुलाई को श्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय में विजय की घोषणा की और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाने का ऐलान किया। भारतीय सेना के ऐसे जाबाज योद्धाओं को उनके पराक्रम और बलिदान के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की ओर से शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।